मोमो उठो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, देखो ना आइज तो खुल भी नहीं रही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं तो सोई थी चिकू ने आज व्लॉग की स्टार्टिंग करी है। मैं ब्रश के कैप से मिलती हूँ। अभी मेरा वर्कआउट है वो कंप्लीट हो चुका है और मैंने मेरा रूम भी थोड़ा सा अरेंज कर लिया है जो बिखरा हुआ था। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहा कर फिर करती हूँ ब्रेकफास्ट और फिर फटाफट से जाती हूँ शॉप पे और फटाफट से आती हूँ घर पे, फिर खाना बनाऊँगी। तो इसके ड्यूरिंग आप मेरे साथ भी चलते रहेंगे। हाथ में बहुत गंदा सा कैच आ गया वर्कआउट करते करते। अभी हो चुकी हूँ मैं नहा के रेडी और बाल बाल बना के चली जाती हूँ एक बार शॉप पे। लेट्स गो। अभी मैं कर देती हूँ चिकू को फ़ोन, तो चिकू मुझे जल्दी से ले जाएंगे शॉप पे। अभी कुछ ऑर्डर्स आ गए हैं तो मैं डिस्पैच कर रही हूँ। ममार की और मिशेल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो इसलिए शायद। मैं घर पे आ गई हूँ, खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है, बस रोटियाँ बनानी बाकी है। तो फटाफट घर का काम निपटा के वापस से जाते हैं आज सैलून और कुछ काम करने का सोच रही हूँ, तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ये रहा हमारा खाना, ये है तोरी की सब्जी, ये सलाद, रोटी और दही फ्राई वाला। आज मैं हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट शूट से, क्योंकि मैं कुछ स्पेशल आपके लिए शूट कर रही थी इसलिए, और इतना सब सामान भी लेके आई थी तो लेके जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने मेकअप तो रिमूव किया नहीं, पर कुछ तो सस्पेंस रखना पड़ेगा इसलिए मैं मेरा मास्क हटा के आपको नहीं बताने वाली। तो अब चलते हैं हम घर पे और आज तबीयत के थके दोनों जने। चले चलो। लॉकडाउन में भी हमारा काम हो रहा है। थैंक यू। कुछ बोलते नहीं थे। ये हमारी शॉप का रात का सीन है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और अभी हम जा रहे हैं एज ए पीज घर पे और अब मैं बैठूंगी गाड़ी पे। ये हमारी इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा तैयार है। शूट पे जैसे ही आए खतरनाक थक गए हैं और खाना वाना सब हो गया है, तो इस सीट को क्यों ना वापस बनाया जाए। बेचारे के जो भी अंदर पंजर थे वो सब तो बिखर चुके हैं। ये रही हमारी अंदर से सीट, इसके ऊपर था ये वाला स्पॉन्ज जो कम्प्लीटली चुका है, जिससे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। और ये हमारी बिगर सीट की सीट, तो हमने सोचा है कि ये है उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे और एक पिलो पूरा खोल देंगे और इसके ऊपर बिछा देंगे, उसकी रुई को पूरा व्यवस्थित अलग अलग करके फिर बिछा देंगे। ये तकिया ले आए हैं और इसको खोल देंगे। ये अपने रूम वाला ये क्या तकिया? क्या पता, देखो ना अदर साइड लेबल है क्या इधर इधर कॉर्नर में? नहीं है, ठीक है चलो अब इसको खोलते हैं और इसके अंदर से जो स्पॉन्ज है उसको अच्छे से निकालेंगे। बेचारे अब इस पिल्लो का होगा ऑपरेशन। ये नहीं कटेगा कपड़ा ऐसे? क्यों, ये अलग टाइप का आता है ना पॉलिस्टर। इसको सारा है ना थोड़ा छोटा 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 तोड़ना पड़ेगा अपन को। ऐसा ही तुम बिछा दोगे डायरेक्ट? डायरेक्ट बिछा देंगे।
दो इतने बच्चे, फिर चेयर कैसे सेट दो? अरे किल्ली भी चाहिएगी ना। हाँ किल्ली क्यों? किल्ली चाहिएगी ना। हाँ सही, अच्छी शाही सीट है। सही नहीं है। हाँ शाही सीट है, अलग है, वीआईपी है। वीआईपी है ना, हैंडमेड है ना। ये हमारी चेयर देख सकते हैं, इसका बेस हमने कितना उठा लिया है और अच्छी बनी है। चलो मेहनत रंग लाई, चेयर बन चुकी है और बहुत अच्छी बनी है। मेहनत कहीं ना कहीं रंग तो लाई है, यानी कितने दिन हो गए हम ट्राई कर रहे थे बनाएंगे 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 ना, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था और इनको भी टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए बना ही नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज इसका मुहूर्त भी आ गया और बन भी गई। कब से खुली पड़ी हुई है ऐसे ऐसे, कितना टाइम हो गया ना, तो 6-7-8 दिन हो गए थे इस बात को। तो अपन 2 तारीख को आए थे उदयपुर से। इसी के साथ चलो मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।